अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नगर निगम आई है भैया जाने का। यहाँ पर जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कैदियों को उनकी बहनें राखियाँ बांधने आ रही हैं। क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई? आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर कैदी भाइयों की बहनें इनको रक्षा सूत्र बांधने आ रही हैं। उनके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि बाहर पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका, उनको फिर एक टोकन दिया जाएगा और तलाशी के पश्चात वो अंदर जाके अपने भाइयों के हाथों में राखी बांध सकेंगे। इसके लिए हमने हल्दी कुमकुम दीपक की व्यवस्था कर रखी है और जिन बहनों के पास राखी नहीं है या किसी कारणवश वो नहीं ला पाई तो उन्हें यहाँ मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। मैम बड़ा उत्साह भी दिख रहा है बहनों में, क्योंकि जेल में बंद है भाई और बहनें राखी बांधने आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बड़ा भावुक क्षण होता है ये जब बहनें इतने दिनों बाद रूबरू होके सामने से मिलती है, अपने भाइयों से राखी बांधती हैं, तो उनको देख के हम लोग भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं। सब बच्चे रोते हैं, मिलने आते हैं, तो बड़ा भावुक क्षण होता है। मैडम कितने बंदियों को यहाँ पर आज बांधी गई है? लगभग 100 के लगभग हो चुके हैं जिनको अभी तक राखी बन चुकी है। मैडम जिन के भाई नहीं है आपने उनकी राखी बांधी है और आपने उन्होंने आपको कुछ उपहार भी दिया है? बिल्कुल, जिनकी बहनें नहीं आ सकती हैं या जिनकी बहनें नहीं हैं उन्हें मेरे द्वारा राखी बांधी गई है और उपहार स्वरूप उन्होंने ये वचन दिया है कि वह आगे से अपराध नहीं करेंगे और दोबारा कभी जेल में आए ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। मैम समय भी आपने 8 से 12 का दिया था, समय भी उपरांत हो गया, उसके बाद भी सब बहनें राखी बांध रही है और आपके द्वारा उनको मिलवाया भी जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए ये मानवता वाली बात है और बहनों का साधन में एक ही त्यौहार होता है तो हम नहीं चाहते हैं ऐसे कोई भी बहन निराश होकर जाए। तो अभी 12:30 बज चुके हैं
और बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकातें जरूर करेंगे। रक्षाबंधन के पर्व को क्या कुछ कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का बहुत ही सुंदर पर्व होता है, इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और बहनों बहनों की रक्षा करते हैं भाई, तो बहनें भी आजकल बहुत सशक्त हो गई हैं, वो भी भाइयों की रक्षा कर सकती हैं। इसी कामना के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ।